पंचनामा के साथ खबरों का पुराना दौर लौट आया है। अब कोई भी बड़ी खबर छूटने वाली नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। अग्निपथ पर आज आधा हिंदुस्तान प्रदर्शन की आग में जल रहा है, क्या कुछ हुआ ये आपको दिखाते हैं। नमस्कार, पंचनामा में आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। सिकंदराबाद में हिंसक प्रदर्शन में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है, खबर आगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन शर्मा और पंचनामा में आज आपको बताएंगे कि यूपी में जुमे पर तो शांति रही लेकिन अग्निपथ की आग में यूपी भी झुलस रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। पूछताछ में घिरे गांधी परिवार में सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर आई है बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। अग्निपथ के विरोध में कल छात्रों ने भारत बंद बुलाया, जिसका लालू की पार्टी आरजेडी ने समर्थन किया है। अग्निपथ पर सबसे ज्यादा बवाल बिहार में ही हो रहा है। पटरी पर खड़ी ट्रेन गत्ते कागज की तरह जल रही है। कहीं एसी बोगी आग की लपटों में घिरी है, कहीं स्लीपर बोगी धधक रही है, तो कहीं पैसेंजर ट्रेन को फूंक दिया गया। कहीं पटरियों पर आगजनी हो रही है तो कहीं प्लेटफॉर्म को झोंक दिया गया। गया से सुपौल तक और दानापुर से लखीसराय तक मानो बिहार का चप्पा चप्पा ही आग की लपटों में घिरा हुआ है। सेना भर्ती की नई स्कीम पर बिहार में हंगामा बरपा है। ऐसा लग रहा है जैसे विरोध की आग ने पूरे बिहार में बारूद बिछा दिया। विरोध में छात्रों ने दर्जन भर से ज्यादा जिलों में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। सेना भर्ती के विरोध में छात्र रेलवे को निशाना बना रहे हैं, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। सवाल उठता है कि क्या सरकारी संपत्ति को जलाने से मामले का हल निकल जाएगा। अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सबसे पहले बिहार से ही हुई थी। दानापुर में छात्रों ने पहले ट्रेन फिर पार्सल रूम को ही फूंक दिया। द बर्निंग ट्रेन आपने सुना होगा और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन जो बॉगी चल रही है, आप देख रहे हैं उसमें बॉगी जल भी रही है और ट्रेन इंजन समेत पीछे पीछे जा रही है। क्या आलम है आप देख लीजिए। दानापुर स्टेशन, और स्टेशन पर ट्रेन जब चल रही हो और आग का धुआं, आग की लपटें सब निकल रहा हो, ये है दानापुर स्टेशन, जहां पर अब से कुछ देर पहले हज़ारों की तादाद में एक हुजूम यहां पर पथराव कर रहा था, ट्रेन के अंदर बोगियों में आग लगा रहा था। और ये जो ट्रेन है आपको चलती हुई दिख रही है। सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध के नाम पर शुरू हुआ छात्रों का यह प्रदर्शन उग्र और दिशाहीन होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में विरोध प्रदर्शन की यह आग तेज रफ्तार से फैलती जा रही है। पटरियों से निकलकर ये आगजनी सड़कों तक पहुंची है। तस्वीरें सासाराम की है, जहां छात्रों ने टोल बूथ को ही आग लगा दी, लेकिन बर्बादी के सिलसिले पर ब्रेक नहीं लगा क्योंकि अगला ठिकाना कहीं और था। सरकार की योजना का विरोध कर रहे छात्र बांस डंडों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और जमकर उत्पात मचाया। बेतिया में छात्रों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर को भी नहीं छोड़ा। छात्रों को ये भी समझना होगा कि सड़कों पर उतरकर इस तरह उत्पात मचाने से समस्या का समाधान कतई नहीं निकलता। और देखिए, तेलंगाना में हिंसक प्रदर्शन को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। अब पुलिस हिंसा की साजिश वाले एंगल से जांच कर रही है। अग्निपथ पर विरोध की आग की लपटें उत्तर के साथ साथ अब दक्षिण में भी उठ रही हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी लोगों ने ट्रेन में आगजनी की। प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि यहां हंगामे में मौत हो गई। ट्रेनों का आवागमन बिल्कुल पूरी तरीके से ठप है।
ट्रेन ट्रैक पे प्रदर्शनकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी आमने सामने खड़े हैं। समझाइश की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक छोड़ दें। जिस तरह से ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले रहा है, पुलिस को इसमें साजिश की बू आ रही है, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप से प्रदर्शनकारियों को बुलावा भेजा गया था। हैदराबाद पुलिस अब इस व्हाट्सएप ग्रुप की जांच में जुट गई है। अग्निपथ के खिलाफ आक्रोश की इस आग में आधा हिंदुस्तान झुलस रहा है। बिहार के बाद अग्निपथ पर यूपी में भी जमकर बवाल हो रहा है। ट्रेन के कोच से उठता धुएं का गुबार अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के आक्रोश की गवाही दे रहा है। ये तस्वीरें यूपी के बलिया की हैं, जहां प्रदर्शन के नाम पर ट्रेन में आगजनी को अंजाम दिया गया। मथुरा और वाराणसी में भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और आम लोगों पर पत्थरबाजी की। अलीगढ़ में तो प्रदर्शनकारियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। अग्निपथ के विरोध में जो आक्रोश की आग बिहार से उठी, उस आग में अब करीब आधा हिंदुस्तान जल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उड़ीसा में भी युवा सड़क पर उतर चुके हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध के शोर में छात्र सरकार की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। सेना देश की आन बान और शान होती है, लेकिन इसी सेना भर्ती को लेकर छात्रों के मन में जो आशंकाओं के काले बादल उमड़ रहे हैं, सरकार उसे दूर करने में जुटी है। सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ है वो ये कि सेना की 2 साल से रुकी हुई भर्ती अगले हफ्ते यानी 24 जून से ही शुरू हो जाएगी। युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। जहां तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे। सरकार से लेकर सेना तक समझा रही है कि छात्रों के लिए ये भले की बात है, लेकिन भर्ती के ऐलान के बाद से भड़के छात्र हिंसा पर उतारू है। आप देख रहे हैं पंचनामा। अस्पताल में भर्ती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर पार्टी चिंतित है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर खबर अच्छी नहीं है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोनिया गांधी को रविवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर बयान जारी करते हुए बताया कि सोनिया की सांस लेने वाली नली में इन्फेक्शन है, नाक से खून भी बहा है। इसकी शिकायत के बाद डॉक्टर अब उन पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। राहुल गांधी भी देर रात सोनिया गांधी से मिलने अचानक अस्पताल पहुंचे। सोनिया गांधी की तबीयत का हवाला देकर ही राहुल ने आज होने वाली ईडी की पूछताछ से रियायत मांगी थी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को भी ईडी ने पूछताछ का समन भेजा है। सोनिया से 23 जून को पूछताछ होनी है। और देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का परिवार भी अब सीबीआई की रडार पर आ गया है। राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर दिल्ली दौड़ लगा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का परिवार सीबीआई जांच की जद में आ गया है। फर्टिलाइजर घोटाले को लेकर आज जोधपुर में सीबीआई की टीम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पहुंच गई। अग्रसेन गहलोत के घर के अलावा उनके फार्म हाउस और उनकी दुकान पर भी सीबीआई की टीम ने छापे मारे। मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? पुलिस के मुताबिक अग्रसेन गहलोत जांच में सहयोग कर रहे हैं। फर्टिलाइजर घोटाले में पहले भी उनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। हिरासत में मूसेवाला के हत्यारे ने क्या बताया, देखिए। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस सुलझा, बदला लेने के लिए मूसेवाला का मर्डर हुआ, मूसेवाला के कातिल का कबूलनामा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि मूसेवाला को उसने ही मरवाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि वो रिक्की मिड्डूखेड़ा को बड़ा भाई मानता था और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए मूसेवाला का मर्डर करवाया। पिछले साल ही रिक्की की हत्या हुई थी। हालांकि हथियार और शूटरों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सही जवाब नहीं दे रहा। और अब खबर हरियाणा से, जहां परसों निकाय चुनाव है। इस बीच गुरमीत राम रहीम को एक महीने की पैरोल मिल गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत को अब 30 दिन की पैरोल मिली है। इस दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने आश्रम में रहेगा। इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के समय भी राम रहीम को एक महीने की पैरोल दी गई थी। पैरोल पर डेरा का कहना है कि हरियाणा सरकार के नए कानून के मुताबिक पैरोल के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार अब पैरोल के लिए कोई बड़ा कारण देने की जरूरत नहीं है। बलात्कार मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है और 2017 से ही जेल में बंद है। और बात साउथ की जानी मानी अभिनेत्री साई पल्लवी की, जिनके बयान पर, कश्मीरी पंडितों पर जो बयान उन्होंने दिया, उस पर बवाल मच गया है। स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 14 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि ये सारा पैसा काला धन नहीं है। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों और लोगों का पैसा 50% तक बढ़ गया है। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा किया गया पैसा बढ़कर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये पैसा 14 साल में सबसे ज्यादा है। स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के पैसे में ये वृद्धि लगातार दूसरे साल हुई। इससे पहले 2020 में स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का पैसा 20,700 करोड़ रुपए था। स्विट्जरलैंड के बैंकों की ओर से जो आंकड़े दिए गए हैं, उसके मुताबिक ये सारा पैसा काला धन नहीं है, लेकिन सियासत जारी है। स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा बढ़ने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा, एक ओर महंगाई गरीबी बढ़ रही है तो दूसरी ओर पूंजीपतियों का पैसा। चलिए मौसम का हाल जान लेते हैं। असम में लगातार जारी मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। गांव के गांव को बाढ़ का पानी निकल गया। खेत खलिहान, शहर और क्या गांव, बाढ़ बारिश के रास्ते जो आया सब तबाह है। असम के आसमान से जारी लगातार आफत की बारिश अब लोगों की जिंदगी पर कहर बरपा रही है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि असम में आई बाढ़ किसी को नहीं बख्श रही। बाढ़ के रास्तों में जो कुछ आ रहा है, बाढ़ का पानी उसे तबाह कर रहा है। अब चाहे वो सड़क हो या ट्रेन की पटरी, असम के जिलों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। असम के गुवाहाटी की गलियां तो नहर बन गई और जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरती थी, अब वहां नाव चल रही है। असम के अलग अलग इलाकों में बाढ़ बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 18 जिलों के 75,000 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन और असम को ऐसे ही कुदरत के प्रहार का सामना करना पड़ सकता है। तो जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से श्रीनगर जम्मू हाईवे जाम हो गया है। ऊंचे पथरीले रास्तों पर धूल का भारी गुबार, घंटी की आवाज के साथ भागते लोगों की भीड़, अफरा तफरी भरे माहौल की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बनिहाल में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से आई हैं। यहां अचानक हुए लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर भारी भारी पत्थर टूटकर गिरने लगे और रास्ता पूरी तरह ठप हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। तो पंचनामा में आज बस इतना ही। बाबा, बाबा। पूर्णिया सिटी जानिए।
गोलियां सटी। गोलियां सटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।